माय नेम इज सैयद उसामा अजीज और मैं नस्ट इस्लामाबाद से का ग्रेजुएट हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2015 में कम्प्लीट की और उसके बाद मैंने इस आइडिया पर रोबोटिक रेस्टोरेंट के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। और ये आइडिया बेसिकली जो इंस्पिरेशन है इसके पीछे वो चाइनीज रोबोट्स हैं। वर्ल्ड में मुख्तलिफ हमने दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो ऑटोमेशन हमें नज़र आती हैं, जैसे कि जापान में हमें कन्वेयर बेल्ट के जरिए ऑटोमेशन की जाती है एक रेस्टोरेंट में। इसी तरह अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट वे में ऑटोमेशन की जा रही है। तो बेसिकली मेरा जो ये आइडिया था रेस्टोरेंट ऑटोमेशन का, रोबोटिक रेस्टोरेंट का, ये चाइना के रेस्टोरेंट्स से इंस्पायर्ड था और वहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी। जब मैंने वहाँ की वीडियो देखी तो मैंने ये आइडिया डिस्कस किया अपने वालिद साहब से और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया, हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ये इसके लिए जाएँ ज़रूर। तो उसके बाद मैंने ये तकरीबन 8 मंथ्स इसके ऊपर वर्किंग की और उसके बाद जाकर ये चीज़ जो है वो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ। इसमें बेसिकली 3 फीचर्स हैं। एक तो ये हम इसे सिर्फ टेबल नंबर इनपुट देते हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो डिज़ायर टेबल है वो खुद ही डिसाइड करता है, वहाँ पर जाकर कस्टमर्स तक पहुँच जाता है। उसके बाद उनको ये ग्रीट करता है और ग्रीटिंग्स देने के बाद जब उस दौरान ये वापस किचन में आ जाता है। इस सफ़र के दौरान अगर इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल हो या कोई भी रुकावट हो तो उसे डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद ये एक वर्बल अलर्ट देता है, रुक जाता है, वर्बल अलर्ट देता है, एक वार्निंग देता है कि गेट असाइड प्लीज़ या मूव असाइड प्लीज़। और फिर जब वो ऑब्जेक्ट सामने से हट जाता है, रुकावट खत्म हो जाती है तो दोबारा चल पड़ता है। ये बेसिकली इसके 3 फीचर्स हैं और ये कॉन्सेप्ट है। इसको फ्यूचर प्लानिंग इसकी ये है कि हम अभी हमारे पास एक ये रोबोट जो है ये इसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है, अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में। उसके बाद फ्यूचर में हम अभी इसी रेस्टोरेंट में इस मजीद वर्जन्स लेकर आएंगे, मजीद रोबोट्स लेकर आएंगे जो कि बेसिकली पूरे रेस्टोरेंट में वही सर्व कर रहे होंगे। और आगे इसके जो मजीद वर्जन्स होंगे हमारे पास उसमें हम नए फीचर्स भी ऐड करेंगे, जैसे कि ऑर्डर टेकिंग भी यही करेगा आपसे रोबोट। और इसी तरह आपका जो कोशिश ये की जाएगी कि आपका जो बिल की पेमेंट की कैलकुलेशन है और सारा कुछ है वो भी एक रोबोट ही करे। तो वो एक ट्रूली इसका जो एक आइडियल फॉर्म होगी वो यही होगी कि सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा। अभी ये एक स्टार्टअप है और ये इस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है आवाम जो है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, जो प्रीवियसली पहले जो हमारे पास था और अब है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले लोग जो थे, अब जो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। बच्चे खास तौर पर सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे जो है वो इस कॉन्सेप्ट से बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। और जो भी लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया आइडिया इसको देख कर। तो अभी तक बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली है और उम्मीद है कि इसी तरह अगर हौसला अफजाई मिलती रही, मोटिवेशन मिलती रही तो आगे जाकर भी ये इसको एक बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा।